तो वहीं शिक्षा नगरी के नाम से विख्यात कोटा शहर शिक्षा के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित करता जा रहा है। कोटा में कई ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए जाने जाते हैं। शहर में लगभग 2 लाख से अधिक स्टूडेंट्स कोटा आकर मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं। इसी कड़ी में शिक्षा नगरी में बेहतर शिक्षा देने के लिए अब एक नया नाम और जुड़ गया है जो बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए जाना जाता है। कोरोना काल के बाद अब छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए अन अकेडमी एक नई कोशिश कर रहा है, जहां पर बच्चों को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से बेहतर शिक्षा देने के लिए काम किया जा रहा है। हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने मोहित भार्गव से इसी विषय पर खास बातचीत की है। आप भी सुनिए इस बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ बताया और क्या कुछ जानकारियां दी। देश में शिक्षा नगरी के नाम से पहचान बनाने वाले कोटा में एक अब नया कीर्तिमान और स्थापित होने जा रहा है। कोटा में अन अकेडमी की शुरुआत हुई है। अन अकेडमी किस तरह से काम कर रहा है, इसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम? मोहित भार्गव। मोहित जी, अन अकेडमी किस तरह की शुरुआत कर रहा है बच्चों के लिए कोचिंग के क्षेत्र में? अन अकेडमी का जो यहाँ पर कोटा में आने का कारण है वो है, जैसा कि कोरोना में अगर आपने ध्यान दिया हो तो बहुत परेशानियां बच्चों को ही हैं, क्योंकि यहाँ ऑफलाइन में वो आ नहीं पा रहे थे। तो ऐसा अन अकेडमी ने सोचा कि यार ये परेशानी तो ऐसा तो है नहीं कि बच्चा कभी उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, कभी किसी कारण से वो आ नहीं पा रहा है। तो अन अकेडमी का सोचना ये है कि क्यों ना हम हाइब्रिड सिस्टम पर जाएँ, मतलब बच्चा ऑफलाइन में आए, अपना कम्फर्टेबल महसूस कर रहा है तो आकर के सर से अपने डाउट पूछे, क्लास करे, और मान लीजिए उसकी खुदा ना खास्ता तबीयत ख़राब हो जाती है तो भी उसकी क्लास जो है ना वो चलती रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि देखा गया है विगत वर्षों में कि बच्चा भटक रहा है, बच्चा परेशान हो रहा है, एक हफ्ते की क्लास उसकी मिस हो गई है, अब वो कवर कैसे करे। अभी क्या है, अब वो बिस्तर पे भी है अगर मान लीजिए तो भी वो एक मोबाइल पर जो क्लास उसकी मिस हो रही है वो देख सकता है। तो मतलब ऑफलाइन का तो पूरा मज़ा मिलेगा ही मिलेगा, साइमल्टेनियसली उसको कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज लेकर के अन अकेडमी आया है। सर, अन अकेडमी कोटा एक शिक्षा नगरी के नाम से सर एक बड़ा इंस्टीट्यूट यहाँ पर है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अगर बात की जाए तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सर, किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में नई तकनीक के साथ बच्चों को शिक्षा और अच्छी प्रोवाइड कराने का मकसद है आपका? बिल्कुल है, हमने जो जिन चीज़ों की कमी पाई विगत वर्षों में, कि जैसे कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से एनिमेटेड तरीके से एनिमेशन दिखा सकें, तो हमने क्या किया है कि हर क्लासरूम में एक डिजिटल बोर्ड लगाया है, टच बोर्ड लगाया है, और अब नॉर्मल बोर्ड पे हम काम ही नहीं कर रहे हैं, सारा का सारा काम जो है वो एनिमेशन दिखा करके और प्रॉपर डिजिटल पेन पे काम कर रहे हैं। तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आए, बच्चों को बेहतर समझ में आए। जैसे पहले अगर कभी कभी मन करता था फिजिक्स में कि बच्चों को कोई घूमती हुई चीज़ दिखानी है तो वो दिखनी चाहिए, थोड़ा ज़्यादा समझ में आती है कई चीज़ें, तो वो सपना बच्चों का पूरा हो पाएगा। अन अकेडमी उसी को लेकर के आया है कि टेक्नोलॉजी को इतना बढ़िया तरीके से अमलगेट किया है कि उसका जितना बेहतरीन फ़ायदा हम उठा सकते हैं बच्चों को चीज़ों को महसूस कराने में, उनको वो फील दिलाने में जो फील के लिए वो चाहते हैं, तो यही हमारे मेरे हिसाब से कि टेक्नोलॉजी कितना ज़्यादा शिक्षा को ऊपर ले जा सकता है उस सपने को हम बड़ा कर रहे हैं। सर, शिक्षा नगरी कोटा किस तरह का रिस्पॉन्स दे रही है अन अकेडमी को? बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स, मतलब हमें भी इतनी उम्मीद नहीं थी, सही बताएं तो इतना बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है और बच्चों ने बहुत प्यार और बहुत सपोर्ट किया हमको। प्लस वो बच्चे तो बच्चे ही हैं, वो टेक्नोलॉजी को पसंद करते भी हैं बहुत ज़्यादा। एक बात ये भी देखी गई है, उन्हें टेक्नोलॉजी में मज़ा भी बहुत आता है। जैसे आप देखें तो आप घर में बच्चा अगर कोई होगा तो वो मोबाइल लेकर के तुरंत बैठ जाता है, लेकिन अगर उसको हम थोड़ा सा डेविएट कर दें, उसको पढ़ने की तरफ ले जाएँ, तो हम एक साथ दो काम कर सकते हैं, बच्चा जो पढ़ाई पर भी ध्यान देगा। तो यही चीज़ बच्चों में को प्रभावित कर रही है और बच्चों का रिस्पांस इवन हमने भी नहीं सोचा था। हमें लग रहा था यार कोटा में है तो पता नहीं ऑफलाइन का रहता है तो उतना अच्छा रिस्पांस आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन बहुत बढ़िया रिस्पांस रहा। देखो, कोटा शिक्षा नगरी के नाम से विकल्प कई हैं, विकल्पों में अन अकेडमी एक नया नाम है। अगर बात की जाए कोरोना काल के बाद की, तो कोरोना काल के बाद में कहीं ना कहीं ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था, तो कहीं ना कहीं इस विकल्प के लिए बेहतर और कुछ कर सके अन अकेडमी कोटा में एक नई शुरुआत कर रहा है। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़ कोटा। तो